Hey guys, welcome to another video of Bookpack Travel. इस वीडियो में मैं आपको बैंकॉक के बेस्ट अट्रैक्शंस पे लेके चलूंगा. And before we start, don't forget to like the video and subscribe to the channel if you are new. और ये थाईलैंड सीरीज की 11वीं और आखिरी वीडियो है. बाकी 10 वीडियो भी जरूर देखना. लिंक पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में है. अब पहले चलते हैं ग्रैंड पैलेस. गाइस, हम ग्रैंड पैलेस के रास्ते पे और ये है डेमोक्रेसी मॉन्यूमेंट. आयरनी इसकी ये है कि ये है डेमोक्रेसी मॉन्यूमेंट और बनी थी मिलिट्री डिक्टेटरशिप के टाइम पे. रास्ते में आपको कुछ ग्रैंड पैलेस के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ. यहाँ का टिकट 500 बाट का है. खुलने के टाइम है 8:30 से 3:30. लेट नहीं खुलता है, 5-6 बजे तक नहीं खुलता है. यहाँ पर एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड अप्लाई होता है जिसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ओवरऑल बात यह है कि आपको अपनी बॉडी कवर करनी है. आपकी लेग्स कवर होनी चाहिए, हैंड्स भी कवर प्रेफरेबली रखो और शूज पहन के जाओ प्रेफरेबली. इनकेस अगर आपके क्लोज ड्रेस कोड के अगेंस्ट हैं तो आपको ग्रैंड पैलेस के एंट्रेंस पे रोका जाएगा. वहाँ पर आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ेगी और आपको क्लोथ मिल जाएंगे. या फिर बाहर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप रेंट पे ले सकते हो या खरीद सकते हो कपड़े. ग्रैंड पैलेस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाई आर्किटेक्चर. इनके काम में जो डिटेल है और जो इंट्रिकेट डिजाइन है, दे मेक द स्ट्रक्चर रियली ब्यूटिफुल. इस टेंपल में जो बुद्धा का स्टैचू है वो थाईलैंड का सबसे इंपॉर्टेंट और होली स्टैचू माना जाता है. उसको मैं आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा क्योंकि अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है. गाइस, ग्रैंड पैलेस का एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये म्यूरल पेंटिंग्स. इसमें थाई रिलीजियस टेक्स्ट रामाकेन की स्टोरी दिखाई गई है, जो और कुछ नहीं बल्कि इंडियन रामायण का ही थाई वर्जन है. पूरी की पूरी स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है, उन्होंने बस कैरेक्टर्स और प्लेसेस के नाम बदल दिए हैं. जैसे उन्होंने सीता को सीधा कर दिया और लंका को लंका कर दिया, नाम चेंज करके भी. मतलब सिमिलर साउंडिंग नेम्स है, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. पैलेस पूरा घूमने में आपको 2 से 3 घंटे तो लगेंगे, तो बेटर है आप पानी की बॉटल, हैट और सनग्लासेस साथ में लेके आना. ग्रैंड पैलेस घूम लिया है पूरा और अभी वॉट फो देखने जा रहे हैं. मौसम फॉर्चुनेटली काफी बेटर हो गया है, वरना बीच में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी. और देखते हैं वॉट फो के बाद टाइम बचेगा तो और क्या क्या देखना है. डांडे में जा रहा है, तो आ रहा है, गर्मी बहुत है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है. डांडे के मुंह पे तेल आ गया, पूरा काला हो गया. गाइस, वॉट फो बैंकॉक का लार्जेस्ट टेंपल कॉम्प्लेक्स है. इसका टिकट है 200 बाट. ओपनिंग टाइमिंग्स है सुबह 8 से शाम को 6:30 बजे. इस कॉम्प्लेक्स में कई सारे टेम्पल्स हैं, एक स्कूल भी चलता है जहाँ पे मॉन्क्स पढ़ाते हैं, और यहाँ पर एक ट्रेडिशनल थाई मसाज सेंटर है. और लिटरली दिस मसाज इज एज ट्रेडिशनल एज इट कुड गेट. टेम्पल्स में सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है द रिक्लाइनिंग बुद्धा टेम्पल. दिस गोल्ड लीफ प्लेटेड बुद्धा स्टैचू इज 15 मीटर्स टॉल एंड 46 मीटर्स लॉन्ग. यहाँ पे बुद्धा के फीट पे बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से बुद्धा की 108 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रखी है. टेंपल्स घूमने के बाद हम लंच करने सुकुम्वित के डोसा किंग में आए, और यहाँ का खाना इज वेरी डिलिशियस एंड आई टोटली रिकमेंड दिस.
गाइस दिस इज सोई कावबॉय द पॉपुलर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट इन सुकुम्बित। ये एक छोटी सी रोड है और गोगो बार से भरी पड़ी है। यहाँ पे क्लब्स और बार्स वाला सीन काफी वीक है। गिनती के दो तीन क्लब्स और बार्स हैं और वो भी काफी एक्सपेंसिव है। सोई कावबॉय से कुछ ही दूर गाइस देयर इज अनदर पॉपुलर रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट इन बैंकॉक विच इज नाना प्लाजा। ये पूरा मॉल कॉम्प्लेक्स की तरह है जो गोगो बार से भरा पड़ा है। इसके बाहर मेन स्ट्रीट पे देयर आर सम बार्स एंड पब्स एंड मार्केट्स, अदरवाइज द सीन इज काइंड ऑफ अ डैम हियर। गाइस अगर दिल्ली से कंपेयर करें तो बैंकॉक एक चीज में बहुत ऊपर है, यहाँ का ट्रैफिक। बैंकॉक में बीच में दो गाड़ी का डिस्टेंस छोड़ के गाड़ियाँ खड़ी करते हैं लोग, देखिए। और गाइस हॉर्न करना भी पूरा अवॉइड करते हैं लोग, हमारे यहाँ तो हॉर्न बजा बजा के हालत खराब करके रखते हैं। गाइस द नाइट लाइफ सीन इन बैंकॉक इज बेस्ट एट खाओ सान रोड। पूरी रोड बार्स एंड क्लब से भरी पड़ी है एंड इट इज वेरी लाइवली। शॉपिंग की बात करें तो बैंकॉक में बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं एंड वन ऑफ द बेस्ट इज टर्मिनल 21 मॉल ऑन बीटीएस अशोक। मॉल ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, द बिगेस्ट आई हैव एवर सीन टिल नाउ। इस मॉल की दो तीन खासियत हैं। पहली ये कि हर एक फ्लोर किसी कंट्री की थीम पे बनी पड़ी है, तो उस फ्लोर पे सारे आउटलेट्स उस कंट्री से रिलेटेड होंगे और वहाँ का आर्किटेक्चर भी वैसा ही होगा। और दूसरी खास चीज है यहाँ के टॉयलेट्स। ये आप टॉयलेट सीट देख रहे हो, मैंने जिंदगी में ऐसी टॉयलेट सीट नहीं देखी। इस पे ये एक ऑटोमेटिक टॉयलेट सीट है, आगे पीछे ऊपर नीचे गर्म ठंडी सब कुछ हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ ही ऑटोमेटिक हो जाएगा इस पे। और इतने बड़े मॉल में आप खो ना जाओ, उसके लिए यहाँ पे जगह जगह पे स्क्रीन्स लगा रखी हैं और इसमें पूरे मॉल का मैप है, आउटलेट्स की इंफॉर्मेशन, उसके डायरेक्शंस और खाने पीने का मेन्यू, रेस्टोरेंट्स के मेन्यू, मूवीज, सारी इन्फॉर्मेशन इसे एक स्क्रीन पे दे रखी है। ऑल्सो बैंकॉक इज फेमस फॉर इट्स नाइट मार्केट। यहाँ पे एक से एक नाइट मार्केट है एंड वन ऑफ द बेस्ट इज रचाड़ा नाइट मार्केट। ये जगह खाने पीने के लिए और शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी है। You should totally visit one of the night markets in Bangkok. It's a really good experience. Yeah. Guys, video अच्छी लगी हो तो like जरूर करना। अगर कोई point छूट गया हो तो comment box में जरूर बताना। And share this video with your friends and family. अभी तक channel subscribe नहीं किया है तो do subscribe to the channel. Stay happy and keep traveling. Thanks for watching. See you in my next one.